इंदौर क्राइम ब्रांच ने इंटरस्टेट गैंग के एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो कई राज्यों में अपनी गैंग के साथ लूट की वारदात को अंजाम दे चुका है। आरोपी ने इंदौर के एबी रोड पर 10 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस आरोपी को क्राइम ब्रांच ने गुजरात से हिरासत में लिया है। डीआईजी हरिनारायण चारे मिश्र ने बताया कि एबी रोड पर हुई 10 लाख की लूट के मामले में क्राइम ब्रांच को कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इस पर एसपी अमरिंदर सिंह की टीम ने अहमदाबाद इलाके के कुबेर नगर में छापा मारकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी का नाम बीनू बताया जा रहा है। आरोपी ने पिछले दिनों 10 लाख रुपए की लूट की वारदात की थी। थाना अंतर्गत पिछले माह जो एक 10 लाख की लूट हुई थी उसकी पतासाजी करने में एक बड़ी सफलता मिली है। इसमें थाना क्राइम ब्रांच के साथ साथ में एक जॉइंट कार्रवाई करते हुए जिसमें थाना क्राइम ब्रांच विजयनगर और यहाँ तक कि अहमदाबाद पुलिस और वहाँ की क्राइम ब्रांच का भी सहयोग लिया गया और इसमें भी एक आरोपी को पकड़ा गया है। आरोपी से जो पूछताछ हुई है उसने अन्य जो साथीदारान हैं उनके भी नाम बताए हैं, जिसमें से मुख्य रूप से लखन, सूर्या, विक्की, इस तरह के नाम और आए हैं। इन सभी आरोपियों के जो पतासाजी कर ली गई है, महतपुर जो इनकी मॉडस ऑपरेंडी है उसमें ये सभी जो आरोपी हैं एक संगठित एक इंटर स्टेट गैंग चलाते हैं जो न केवल मध्य प्रदेश बल्कि कई अदर स्टेट्स, उसमें यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, साउथ के भी स्टेट्स में ये पूरी गैंग्स मूवमेंट करती हैं। साथ में ये जो आरोपी हैं इनकी सभी की गैंग स्टीसीट भी उस थाने में मिली है जिसमें इनका काफ़ी बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और इसी गैंग के द्वारा 2014 में भी इंदौर में ही एक घटना कारित करना बताया है। साथ में 2017 में एक जो बैग छीना गया था थाना छोटी ग्वाल टोली के अंतर्गत जिसमें 5 लाख रुपए गए थे उसकी भी जानकारी कुछ प्राप्त हुई है। तो अभी फिलहाल एक जो रैकी करने का जो आदमी है वीनू जो उम्रदराज है उसको पकड़ा गया है। इस गिरोह के 4 सदस्य क्राइम ब्रांच की गिरफ्त से दूर है, उनकी पहचान की जा चुकी है। आरोपी ने पुलिस में बताया कि गिरोह के 6 सदस्य इंदौर पहुंचे थे, कुछ सदस्य बस से आए थे। ये लोग महाराष्ट्र सहित दक्षिण के विभिन्न इलाकों में लूट की वारदातें भी कर चुके हैं। बहरहाल पुलिस बचे हुए आरोपियों की तलाश कर रही है।